नमस्कार, मैं किरण और आप देख रहे हैं केके न्यूज 24। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर कुशीनगर केसरी व केके न्यूज 24 की ओर से समस्त भाइयों एवं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। पुलिस टीम ने अंतर्राज्यीय पशु तस्करी गैंग का किया पर्दाफाश। जी हां, आपको बता दें, कुशीनगर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गौवंश की पशुओं की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अंतर्राज्यीय पशु तस्करी गैंग का पर्दाफाश करते हुए संयुक्त पुलिस टीम ने मैजिक वाहन से बद हेतु ले जाई जा रही चार राशि गौवंशी पशुओं की बरामदगी करते हुए तीन साथी पशु तस्करों को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया है। अब खबर विस्तार से। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर अभिनव त्यागी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कश्यप कुंदन कुमार सिंह के नेतृत्व में गौवंशी पशुओं की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में NH 28 के पारा मजला नाला ढलान से 20 कदम दूर कूड़ा घर के पास से थाना कोतवाली हाटा थाना कप्तान गंज व साइबर थाने की संयुक्त टीम द्वारा 2024 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 645 धारा 3 5A 5B व 8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर से संबंधित टीम अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चार राशि गौवंशीय पशु अपराध में प्रयुक्त दो मैजिक वाहन दो मोबाइल फोन एक अवैध तमंचा 315 बोर 6 अदद अवैध जिंदा कारतूस 315 बोर अपराध व पशु क्रूरता हेतु गौवंश को काटने का उपकरण तथा अपराध से अर्जित 5,000 रुपए नगद की बरामदगी की गई। इस दौरान अभियुक्त इब्राहिम अंसारी पुत्र इद्रिस गड़ैया मोहन थाना तरिया सुजान जनपद कुशीनगर मुन्ना कुमार गुप्ता पुत्र राम प्रवेश गुप्ता उसहरी थाना बरियारपुर जनपद देवरिया और विशाल प्रसाद पुत्र अनिल प्रसाद महुआ पाटनधार थाना बरियारपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तारी हुआ। बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक राज प्रकाश सिंह थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर में टीम के साथ प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पंत साइबर सेल जनपद कुशीनगर में टीम सहित थाना अध्यक्ष राजकुमार बरवार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर में टीम शामिल रहे। वहीं बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। इस दौरान SP संतोष कुमार मिश्र ने क्या कहा, देखिए कुशीनगर से सत्येंद्र पांडे के साथ आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। जनपद कुशीनगर में गो तस्करी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें थाना हाटा पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक अंतरराज्य पशु तस्कर गैंग इसको पकड़ा गया है। इसमें तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इब्राहिम अंसारी मुन्ना और विशाल। इन तीनों को पकड़ा गया है दो वाहनों के साथ में और साथ ही साथ चार गौवंश भी बरामद किए गए हैं। ये एक शातिर किस्म का गैंग है जो कि कुशीनगर के आसपास के जनपदों से पशुओं को इकट्ठा करता है और उनकी तस्करी करके बिहार और बंगाल की तरफ लेके जाता है इनका वध करने के लिए। लेकिन हमारी थाना हाटा की टीम एवं साइबर सेल की टीम के द्वारा समय रहते हुए कार्रवाई की गई और इस गैंग को पकड़ा गया और इनके पास से रिकवरी कराई गई है। इस गैंग के जो सरगना है इब्राहिम अंसारी, इस पे पूर्व में भी मुकदमे हैं, कई करीब 8 मुकदमे हैं इस पे। और इस गैंग के ऊपर इन पे गैंगस्टर की कार्रवाई और साथ ही साथ इनके ऊपर संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई कराई जाएगी। जनपद कुशीनगर में जो भी गैंग इस तरीके के अपराधों में लिप्त होंगे उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को 15,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत भी किया जाएगा। आइए एक बार फिर रुक करते हैं कुशीनगर की ओर, जहां पर हिंदू युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले नईम को पीड़िता के तहरीर के आधार पर थाना को वाली पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब खबर विस्तार से। आपको बता दें कि पीड़िता द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पटना पुलिस द्वारा तत्काल 2024 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 435 धारा 376 व 504 भारतीय दंड विधान में अभियोग पंजीकृत कर संबंधित हिंदू युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त नईम पुत्र स्वर्गीय आलमगीर निवासी सिंधुआ स्थान थाना कोतवाली पटना जनपद कुशीनगर के विरुद्ध में NBW 82 CRPC की नोटिस जारी है को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। इस दौरान SP संतोष कुमार मिश्र ने क्या कहा, देखिए कुशीनगर से सत्येंद्र पांडे के साथ आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। जनपद कुशीनगर में थाना पडरौना पर एक हिंदू युवती के द्वारा कर्म
किए जाने की एक घटना रजिस्टर कराई गई थी। इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना पटरौना की टीम के द्वारा इसमें दुष्कर्म करने वाला जो अभियुक्त है नईम पुत्र आलमगीर, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को 10,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है और साथ ही साथ जनपद कुशीनगर में महिला संबंधी अपराध में लिप्त जितने भी अपराधी है उनके खिलाफ निर्देशित किया गया है कि उनको तत्काल पकड़ के उन पे कार्रवाई किया जाए और साथ ही साथ उन पे गैंगस्टर गुंडा इत्यादि की भी कार्रवाई की जाए।